आने वाले हैं फायरी ग्रिल चिकन लेग्स, दैट वुड बी माई वर्जन। एंड फॉर दैट आई हैव टेकन सम चिकन लेग्स को हमने अच्छे से स्लिट कर दिया है, कट मार्क्स बना दिए ताकि हमारा मसाला जब हम मैरिनेट करें तो अच्छे से पेनिट्रेट होगा, अंदर तक जाएगा और अच्छा स्वाद लाएगा। किचन के लिए हमने लिया हुआ है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, दैट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/4 चम्मच जो हम लेंगे टेबल स्पून दैट इज़ ब्लैक पेपर पाउडर। हमने लिया हुआ है चिकन मसाला छोटा 5 रुपी पैकेट, 1 5 रुपये का अदरक लहसुन पेस्ट एंड लगभग अगेन 1/2 चम्मच नमक, और इससे हम इस पूरे अपने चिकन को मिक्स करेंगे। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हमने छोटा पैकेट लिया हुआ है 5 रुपी वाला, वो हम प्रॉपर इसमें डाल देंगे। बारी बारी से इसमें अपने हल्दी मिर्च और लाल मिर्च पाउडर तीनों डालेंगे। इसमें हल्दी मिर्च पाउडर, काली मिर्च और नमक सब डाल दिया है। अब हम इसमें चिकन मसाला डालेंगे, ये भी हमने अच्छे से डाल दिया है। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे जिसके थ्रू हम इसको प्रॉपरली अच्छे से मैरिनेट करेंगे। हम इसमें ना पूरा अच्छे से मैरिनेट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं जितने भी कट्स हैं उसमें मसाले आपके प्रॉपर अच्छे से लग जाएंगे, तो जब हम इसको ग्रिल करेंगे तो अंदर तक टेस्ट आएगा आपको मसालों का, प्लस एक अच्छा सा अरोमा आता है। तो आप देख सकते हैं हमारे लेग्स बड़े अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, अगले 15-20 मिनट के लिए, एंड देन ग्रिलिंग प्रोसेस में डालेंगे। अब हम इसको ग्रिल होने के लिए अपने ग्रिलिंग प्लेट में डालेंगे। हमने इस पर एल्युमिनियम फॉयल रैप कर दिया, थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है। अब आपके पास कैसा ओवन है आप उसके हिसाब से सीधा ग्रिलिंग पैन या ग्रिलर में डाल सकते हो। अपने ग्रिलिंग प्लेट में प्लेस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं हमने बड़े अच्छे से प्लेस कर दिया है, और सारा प्लेस करके हम इसको ग्रिलिंग के लिए डाल देंगे। और आप समय समय पर इसको देखते रहेंगे जब वो ग्रिल होगा, एंड देन फाइनली जब वो रेडी हो जाए तो आप निकाल के खा सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने प्रॉपरली इस ग्रिलिंग प्लेट में सारे चिकन पीसेस, लेग पीसेस को रख दिया। अब हम इसको ग्रिलिंग होने के लिए डालेंगे। अब हम अपने OTG में इसको डालेंगे, 250 डिग्री सेल्सियस पे हम रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तब हम इसको बीच बीच में चेक करते रहेंगे हमारा जो ग्रिल हो रहा है निकाल निकाल कर। इसमें ग्रिलर से इसको निकाल कर हम थोड़ा सा बटर अप्लाई कर रहे हैं, और फिर हम बारी बारी से इनको पलट के दूसरे एंड से भी थोड़ा सा ग्रिल करेंगे, तो हमारा प्रॉपर जो है ये फायरी ग्रिल चिकन रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं बड़े अच्छे से ग्रिल हो रहा है और बड़ा ही टेस्टी दिख रहा है। गाइस आप देख सकते हैं हमने इसको हल्का सा ग्रिल कर लिया था, अब बारी बारी से पलटेंगे। हमने बटर अप्लाई किया हुआ था, अब जब ये दूसरे साइड से भी अच्छे से सिक जाएगा तो ये हमारा ग्रिल चिकन खाने को रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक तरफ से अच्छे से सिका है, सेकेंड साइड हम पलट रहे हैं। तब इसको वापस से हम ग्रिलर के अंदर डालेंगे, अगेन 250 डिग्री पे हम 20 से 25 मिनट के लिए डाल देंगे। गाइस आप देख सकते हैं हमारा ग्रिल चिकन रेडी है, अब इसको प्लेट करके हम खाएंगे। ग्रिल चिकन रेडी है, अब हम इसको प्लेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने टमेटो केचप के साथ वो खाना है, और ये हम इसमें अब सारे लेग्स में प्लेट कर रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन बना है ये, देखिए हमने इसको ड्रेस कर दिया चॉप्ड कोरिएंडर लीव से। अब गाइस इसमें हम लेमन स्क्वीज कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं हमारा ग्रिल फायरी ग्रिल चिकन बिल्कुल रेडी है। ये मेरा वर्जन है, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत अच्छे से ग्रिल हुआ है और खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ग्रिल चिकन बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं हमने सिग्नेचर स्टाइल में थोड़े से स्लाइस प्याज और मिर्ची के साथ उसको रख दिया है। हमारा प्लेट रेडी है, और आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको ये डिश अच्छी लगी या नहीं, बिल्कुल बनाइए और मुझे अपना रिस्पॉन्स बताइए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो रेड बटन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आप अच्छा नोटिफाइड होते रहें हमारे नए अपकमिंग डिशेस के बारे में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो हाउ डू यू फाइंड इट, एंड प्लीज़ शावर योर लव एज ऑलवेज। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड माई ID इज़ @therodexshoes। यू कैन जस्ट सर्च इट एंड यूल गेट इट। And thank you so much. Cheers. Take care.